मैं सोच रही थी कि जितना वक्त मैंने अपने इस फोन को दिया, इस पे कमेंट पढ़ने में, रील देखने में, लोगों को रील शेयर करने में, जितना टाइम मैंने वेस्ट किया, अगर उतना का मतलब अगर 50% भी टाइम अगर मैंने अपने आप को और अपने पढ़ाई को दी होती, तो आज मैं कम से कम साइंटिस्ट ना सही, छोड़ो मिनिस्टर ना सही, आईएएस आईपीएस कुछ तो बन जाती। अच्छा छोड़ो, हटा दो, आईएएस आईपीएस भी छोड़ दो, प्रोफेसर तो बन ही जाती। जितना मेरे को ना, जितना लोगों को ना ये ड्रग्स की एडिक्शन नहीं होती है, चाय की एडिक्शन नहीं होती है, सिगरेट, दारू, गुटखा, उसकी एडिक्शन नहीं होती, उतना तो मेरे को ना अपने फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। अगर मैं थोड़ा देखिए मैं फ़ोन इधर उधर ऐसे कहीं रख देती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ कुछ तो ऐसे मेरे से ऐसे दूर जा रहा है, मतलब डर लगने लगता है कि कहाँ, मतलब मेरा फ़ोन कहाँ चला गया, खो गया क्या, कोई उठा लिया क्या। मतलब एक पल के लिए मैं खाना खाने के बिना रह सकती हूँ, पानी पिए बिना रह सकती हूँ, पर फ़ोन के बिना ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगी, पर फ़ोन के बिना तो रह नहीं सकती। और तो और मतलब जितना ज़रूरी ना ऑक्सीजन है, उतना ज़रूरी ना मेरे लिए मेरा फ़ोन बन गया है। मतलब साथ में दोनों को ऐसे निकलना पसंद करती हूँ मैं। पता नहीं क्या हो गया है मेरी ज़िंदगी को, समझ में नहीं आ रहा इससे मैं पीछा कैसे छुड़ाऊँ। अगर नहीं छुड़ाऊँगी तो मैं तो ये फ़ोन ही चलाते रह जाऊँगी। पता नहीं क्या होगा मेरा, अब तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा मेरी, मतलब मैं अपने आप से परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे सुधारूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है क्या ऐसा?